हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर। तो पूरे वीक का यानी कि पूरे सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहां पर आज हम बात करेंगे, टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो 14 मई से लेकर 19 मई तक के सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर मैंने आपको दिया है, और इसके PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको डाउनलोड करना है अनकेडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके UPSC, UPPSC, ROR, UPPCS, SSC, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका पहला दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध कंपनी ने लूप परियोजना पर जानकारी यहां पर साझा की है? स्पेस एक्स, बोमबार्ड, बोइंग या टाटा? चार यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है? स्पेस एक्स। दोस्तों, प्रसिद्ध स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में लूप परियोजना पर जानकारी यहां पर साझा किया है, तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। आगे बात करेंगे, पर्यावरण मंत्रालय ने समुद्री तटों तथा नदी किनारों की सफाई हेतु कितने दलों का गठन किया है? 8, 12, 19 या 25? तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या है, आपका है 19 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला है इसका राइट आंसर। दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2018 को ध्यान में रखते हुए समुद्री किनारों, नदी तटों और झीलों की सफाई के लिए 19 दलों का यहाँ पर गठन किया है। आगे बात करेंगे, दूर संचार विभाग ने हाल ही में किस प्रकार के सिम को यहाँ पर मंजूरी दे दिया है? स्काई सिम, एक्स सिम, अल्ट्रा सिम या ई सिम? ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका आंसर आपका क्या दोस्तों, ई सिम, यानी कि केंद्र सरकार ने ई सिम के उपयोग के लिए मंजूरी यहाँ पर दे दिया है। इससे अब ग्राहकों को मोबाइल कंपनी बदलने पर नया सिम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। तो ये है इसका यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है? नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया? तो इसका आंसर आपका डी, यानी कि मलेशिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक पर देश छोड़ने पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि करोड़ों रुपए के घोटाले में रज्जाक को क्लीन चिट देने वाले अटॉर्नी जनरल को भी पद से हटा दिया गया है। आगे बात करेंगे, WHO ने 2023 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट एसिड समाप्त करने हेतु किस नाम से अभियान आरंभ किया है? तो चार यहाँ पर इसके ऑप्शन है, रिप्लेस, टारगेट, अवे या बेस्ट? तो यहाँ पर आपका आंसर है रिप्लेस। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रिप्लेस गाइड जारी किए हैं, और इसका उद्देश्य है 2023 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांस फैट एसिड को समाप्त करना। आगे बात करेंगे, विश्व में सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट किस देश में विकसित किया गया? चीन, भारत, रूस, अमेरिका? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका दोस्तों क्या है, आपका चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट चीन में विकसित किया गया। यह विमान 39.6 मीटर लंबा तथा इसके जो पंख हैं उनकी लंबाई है 38.8 मीटर। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, हाल ही में किस देश ने भारत को समर्पित पहला निवेश फंड लॉन्च किया? चीन, इजराइल, बांग्लादेश, जापान? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, चीन। दोस्तों, चीन के सरकारी बैंक इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने भारत के लिए समर्पित देश का पहला सार्वजनिक निर्गम वाला निवेश फंड यहां पर लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहां पर आपका अगला है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरी करने हेतु हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम यहाँ पर आरम्भ किया गया है? पहला यहाँ पर आपका है पर्यावरण
बचाओ कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, माय इंडिया, ग्रीन इंडिया, हरित कौशल विकास कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या है, हरित कौशल विकास कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ किया गया है। आगे बात करेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली आईपीएल में कितनी बार 500 प्लस रन बनाने वाले पहले यहाँ पर खिलाड़ी बने, 5, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपका है 5, यानी कि 5 बार इन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं। आगे बात करेंगे, किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन ऑफ हैन ओवर में फाइनल मुकाबले में ट्राई ब्रेकर में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यहां पर स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम है हीना सिंधु, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका है राइट आंसर। दोस्तों जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन ऑफ हैन ओवर में भारतीय निशानेबाज हीना सिंधु ने फाइनल मुकाबले में ट्राई ब्रेकर में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक यहां पर अपने नाम किया है। आगे बात करेंगे, आरबीआई ने एक आरटीआई के तहत किस बैंक के घोटाले से जुड़ी निरीक्षण रिपोर्ट्स को साझा करने से इनकार कर दिया, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों क्या है, आपका है पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि आंसर इसका आपका डी वाला है राइट आंसर। आगे बात करेंगे, मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 मई 2018 को आईपीएल 11 के 47वें मैच में राजस्थान रॉयल द्वारा धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगा है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर है 12 लाख रुपए का यहाँ पर इनको जुर्माना दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका है पहला वाला कि यहाँ पर इनको 12 लाख रुपये का जुर्माना इन पर लगाया गया। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, 7.9, 9.3, 6.5 या 7.3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, 7.3 यहाँ पर आपका रहेगा चालू वित्त वर्ष में, और अगले वर्ष में यहाँ पर रहेगा आपका 7.5 रहने का यहाँ पर आपका अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों क्या आपका डी यानी कि 7.3%। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 3 पन बिजली परियोजनाओं की यहाँ पर आधारशिला रखी है, नेपाल, रूस, चीन या पाकिस्तान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री ने काठमांडू में 11 मई को अरुण नदी पर बनने वाली अरुण 3 पन बिजली परियोजना का यहाँ पर आधारशिला रखा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, नेपाल में ऐसा किया गया है, ऑप्शन पहला वाला राइट आंसर। आगे बात करेंगे, रोहिणी एस मोहित ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप के पहले दिन 40 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा यहाँ पर आपका पदक जीता है। तो चार आंसर यहाँ पर, रजत, स्वर्ण, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, रह गया यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक इसका है राइट आंसर, यानी कि लेबनान में चल रही एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप के पहले दिन रोहिणी एस मोहित और तबाबी देवी थंजाम ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। तो दोस्तों ये थे सारे आपके टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूरे सप्ताह के, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पूरे वीक के, यानी कि 14 मई से लेकर 19 मई तक के, वो सारे यहाँ पर हमने आपको बता दिए हैं। तो अगर पूरा ये लेसन करंट अफेयर का आपको पसंद आया है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।